प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो लगातार जारी है। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, जरा एक बार दिखाइए किस तरह से उत्साह उमंग के साथ लोग यहाँ पर लबरेज दिखाई दे रहे हैं। फूलों की बरसात की जा रही है, ऊपर अगर छतों की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फूलों की पंखुड़ियां किस तरह से बरसाई जा रही है। दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए हुए हैं। ऊपर की तस्वीरें दिखाइए संजय, ऊपर देखिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़े हुए थे और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मोदी का मुखौटा लगाकर, यहाँ पर देखिए ये छोटे से बच्चे हैं अपने पिता के कंधे पर सवार है, चेहरा दिखा दीजिए भाई, ये मोदी का मुखौटा लेकर आए हैं, लगा दीजिए। और ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह का उत्साह उमंग उल्लास दिखाई दे रहा है। शंखनाद लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री का ये रोड शो, नामांकन के ठीक पहले हो रहा है जहाँ पर पूरी ताकत एक तरफ बीजेपी ने लगा कर रखी हुई है, तो वहीं देखिए शंख और किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ का डबरू भी बज रहा है। जरा ये लोग मंत्र सुना दे, कुछ मंत्र मंत्र सुना दीजिए, कुछ जो प्रियंको बोल दीजिए जय श्री राम, ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, फूलों की पंखुड़ियां इनके पास है, ठीक है, 400 पार के नारे भी लग रहे हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, सड़क के नीचे आप जहां तक जाएंगे वहां तक पाएंगे कि किस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां से ये पूरा का पूरा हिस्सा पटा हुआ है। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का ये काफिला है। हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, यहां पर सुरक्षा में लगे जो जवान हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती इस वक्त पैदा हो रही है। यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे, नीचे की तरफ जिसको जगह मिला वो मौजूद है, ऊपर छतों से लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। यहाँ पर महिला जवानों की भी मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सिर्फ तीन गाड़ियां दूर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहां पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। महिलाएं बड़ी तादाद में आई है, माँ गंगा की पुकार आपकी बात 400 पार, एकदम माँ की पुकार है, चले थोड़ा और आगे चलते हैं। आपको बताते चले जिन जिन हिस्सों से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितनी पुरानी पुरानी ये इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पर भी छतों में हमार काशी हमार मोदी आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की फोटो के साथ। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने ये तस्वीरें लगा कर रखी हुई है। संजय जी आप आगे आइए, नमस्कार सर, क्या चल रहा है बनारस में? 10 लाख से मोदी जी जीता गया, 10 लाख भारत माता की जय के नारे ये लोग लगा रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ठीक सामने जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी पर सवार हैं और दोनों ही तरफ से फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही है। दोनों ही तरफ से चाहे छत हो नीचे लोगों की मौजूदगी हो दोनों ही तरफ से, और उनके हाथों में कमल का फूल है जो लाइट वाला है, रात के समय अंधेरे में भी कमल का फूल अपना चमकता रहे उस तरह की व्यवस्था के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के हाथों में भी वही कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने वाली गाड़ी पर नरेंद्र मोदी हैं और देखिए फूलों की बौछार किस तरह से हो रही है। जो लोग बड़े देर से यहाँ पर महिलाओं की तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए ये लोग जी भर के देख लेना चाहती हैं अपने प्रधानमंत्री को, अपने सांसद को, कतारों में कतारबद्ध होकर जितनी यहाँ पर आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको महिलाएं दिखाई दे जाएंगी जो पीएम की एक झलक के लिए दूसरी तरफ चलेंगे। आइए संजय इस तरफ जा चले, और पूरी की पूरी सड़कें कैसे पटी पड़ी हुई हैं गुलाब की इन पंखुड़ियों से, वो तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं ये मोदी जी को देखने आए होंगे, इनको तो समझ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है जो प्रधानमंत्री पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश कर रहे हैं। और पीएम का काफिला धीरे धीरे करके आपको बताते चले कि यहाँ से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा, गेट नंबर 4 पर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो खत्म होगा, और उसके बाद वहाँ से पूजा अर्चना के लिए नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। कल उनका नामांकन का दिन है, सुबह से ही एक तरफ माँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर वो निकलते हुए चले जाएंगे। ये लोग अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, जोश में कामकाज मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को देख, मोदी को देखे बहुत अच्छे लगे, भगवान को, भगवान कैसे हो गए वो आपके सांसद हैं? नहीं मेरे भगवान ही है भगवान, मैंने पता जैसा मोदी कर दिया वैसा कोई प्रधान नहीं किया, बहुत कुछ किया, इतने लोग आए कुछ नहीं किए, बनारस बना दिया है, सब खाली पेट भरा,
अपना पेट बदल दिया। देखिए इनका ये कहना है कि सबने अपने अपने पेट भरे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प किया है। महिलाएं भावनाओं से भरी हुई हैं, नरेंद्र मोदी को अपना भगवान बता रही हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद हैं, देखिए धीरे धीरे करके काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ ये काफिला बढ़ता हुआ, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैसी रौनक दिखाई दे रही है, वहां पर किस तरह का उल्लास उमंग इस वक्त देखने को मिल रहा है? हिमांशु, देखिये चित्रा, मैं आपको बताऊं कि इसी गेट नंबर 4 से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहां से जाएंगे। हम लोगों से बात करते हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 बजे से मैं बेचू से चला हूं पैदल और यहां आया हूं दोपहर 2 बजे। जहां से रोड शो शुरू हुआ वहीं से पैदल, वहीं से मालवीय जी के प्रतिभा पे माल्यार्पण उन्होंने किया। बनारस के ये पोस्टर लाइए, नीचे लाइए, जरा देखिए। बनारस के चौतरफा विकास को देखते हुए हर बनारसी गर्व से बोले, अब की बार 400 पार, हाँ हम हाई मोदी का परिवार, हमहू हई मोदी का परिवार। देखिए हमहू हई मोदी का परिवार, ये लिख के लाए। जी जी, क्या करते हैं? अब की बार 400 पार और मोदी जी ऐतिहासिक 10 लाख एक इतिहास बनने जा रहा है बनारस। इस बार बनारस का इतिहास बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार यहां से सांसद जीत के तौर पर यहां से आए हैं। नामांकन से पहले चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6 किलोमीटर लंबा रोड शो और उसमें अपार जन समर्थन जिस तरीके से उन्हें मिल रहा है, आप देखिए। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन मदन से कहूंगा वो दिखाएं। यहाँ पर एक मंच लगा हुआ है जहाँ पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति हैं, साथ ही साथ साधु संत समाज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से जो है यहाँ इंतजार करा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और उसके बाद वो काशी की वो गलियां, जिन गलियों में ये कहा जाता था कि बहुत संकीर्ण गलियां होती थी, अब उनका चौड़ीकरण हो गया है। जो बिजली के तार यहाँ नजर आते थे अब वो नीचे चले गए हैं। ट्रैफिक उस तरीके से नहीं है जो 2014 से पहले का था। तो कहीं ना कहीं काशी का जो विकास हुआ है, काशी में जो बदलाव हुआ है और काशी कॉरिडोर बनकर तो तैयार हो गया है। आपको बिल्कुल सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया, तो आज का दिन आपके लिए भी बेहद खास है। बड़े तीखे और वो सारे सवाल आपने पूछे जो देश जानना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। कुमार अभिषेक के पास चलेंगे, उसके पहले जरा नीचे की तस्वीरें दिखा दीजिए। पूरा का पूरा हिस्सा गुलाबों से पटा पड़ा है, किस तरह से फूल मत बरसाइए, अपनी बात कहिए। मोदी जी 405 चार सौ पार होगा। नहीं मोदी जी को ही आना है मैम, 400 पार। फूल मत बरसाइए प्लीज, फूल कैसे बात। हेलो गरिमा, दिस इज गरिमा। बहुत क्या प्रधानमंत्री जी को देख लिया? अरे देख लिया तुम्हें, एक बात हुई यहाँ से अपनी भावनाएं। नहीं की जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी जी 400 पार होंगे। 500 पार चित्रा जी, चित्रा जी है ना, 400 पार। हवा नहीं, बवंडर है, बवंडर चल रहा है यहाँ पर। बवंडर नहीं, तूफान है ये, तूफान। 400 पार मोदी जी ने कह दिया है, तो 400 पार यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो कुछ काशी के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करना चाहते हैं। हम थोड़ा आगे आएंगे वरना फूलों की बारिश लोग यूं ही करते रहेंगे। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीधे आपके पास आते हुए, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर किस तरह का माहौल है? अब धीरे धीरे करके जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चित्रा, काफिला यहां से तो सबसे शुरू में ही बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी बताएं कि लोगों की मौजूदगी आप देखेंगी तो यहां अभी तक है। प्रधानमंत्री का काफिला निश्चित तौर पर कुछ देर में मंदिर पहुंचेगा। जहां पर आप हैं वहां पर लोगों की भारी मौजूदगी तो है, लेकिन अभी तक जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट था, जो जीरो पॉइंट कहा जाता था,
वहां पर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी इधर से लौटेंगे, इसलिए उनके दीदार एक बार फिर करेंगे। लेकिन यहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर चुका है। जो हमने देखा वो बड़ी भारी भीड़ थी, लोगों का उत्साह था, और वही जो 400 पार के नारे सब जगह दिखाई दे रहे हैं यहां भी सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब दर्शन कर लेंगे उसके बाद वो मलदैया होते हुए जाएंगे और DLW तक जाना है उन्हें। उस रास्ते में भी भारी भीड़ मौजूद होगी जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि वो रोड शो नहीं होगा चित्रा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से जाएंगे। अमूमन उनकी गाड़ी में आगे बैठते हैं, लाइट खुली होती है और दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी फिर भी होगी। यानी आज देर रात तक वाराणसी में लोगों का रेला बना हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हों चाहे प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हों। तो एक गजब का क्रेज है जो आज दिखाई दिया है, और अमूमन प्रधानमंत्री के इस तरह के रोड शो में हमेशा दिखता है, लेकिन 400 पार का नारा इस बार काफी जोर शोर से कम वाराणसी में सुनाई दे रहा है। चित्रा, बिल्कुल वाराणसी में 400 पार का नारा जोर शोर से सुनाई दे रहा है। और जरा आगे की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। लोग आगे की ओर आ गए हैं बैरिकेड तोड़ते हुए, और वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल करीब से देख लेना चाहते हैं। लेकिन ये वो काशी है जहां से पूरे उत्तर प्रदेश को और हिंदी बेल्ट को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और यहां से कोशिश, चले इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। होगा हाँ इस बार 400 पार, 750 पार, अब की बार बनारस में 10 लाख पार। ये छोटे छोटे बच्चे, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या मोदी बाबा जय श्री राम, मोदी बाबा कहती है। फर्स्ट टाइम देखा बिहार से आया है और मजा आया देख के। हाँ हाँ, देखिए बिहार के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बीजेपी से ये लोग। देखिए थोड़ी सी हिंदी बोलने की दिक्कत है, ये लोग अपनी बात कहेंगे। होगा 400 पार। दूसरा मुद्दा भी है, विरोधी दलों का क्या होगा? विरोधी दल यहाँ से 4 जून को इटली चले जाएंगे। परिवारवाद वाले सोचे, जो परिवारवाद वाले हैं ना वो सोचे 4 जून। ठीक है, आइए संजय, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नजदीक चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है जिसमें वो गंगा जल लेकर अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस पर लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी। दिखा दीजिए, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी अभी गुजरते हुए आगे की तरफ गए हैं और ये लोग हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल आती हैं सीटें 80। नरेंद्र मोदी जब चुनावी मैदान में उतरे उसके पहले 2009 में 2004 में बीजेपी के पास 10 के आसपास ही सीटें थी, लेकिन उसके बाद मोदी के अभ्युदय के बाद राष्ट्रीय पटल पर उत्तर प्रदेश एक तरह से क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते एक बार फिर से यहाँ पर पूरी ताकत बीजेपी दिखा देना चाहती है। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, अलग अलग सड़कों से जहाँ होते हुए गुजरो वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा लोगों का हुजूम, लोगों का नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार, और एक ही नारा, एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ अब की बार 400 पार। आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर क्या है स्थिति? यहाँ से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के आने से पहले भी हमारी बस पर ही कर रहे हैं। भुगोलिया का ये चौराहा जहाँ शोर ही शोर, केवल मोदी नाम का शोर आपको सुनाई दे रहा था, गोदौलिया के इस बेहद व्यस्त चौराहे की ये तस्वीरें। हम आगे बढ़ेंगे तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी 5 किलोमीटर का जो ये रोड शो, जिसमें 5 बजे शाम से कुछ पहले इस रोड शो की शुरुआत हुई, और अभी जो हम देख रहे हैं 7:15 का वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 45 मिनट में हम इस रोड शो के गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये सब मोदी परिवार को पहुंचा रहे हैं, हर तरफ जो पोस्टर्स हैं उसमें मोदी परिवार लिख कर रखा है, कमल का फूल, कमल माला, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कमल का फूल देने के लिए इन सभी
अपने प्रधानमंत्री को देने के लिए अर्पित करने के लिए बाकी गुलाब की पंखुड़ियों का ये बरसात कर रहे हैं। ये कमल के फूल प्रधानमंत्री पर कोई त्रिशूल लेकर आया है, कोई डमरू लेकर आया है, कोई प्रधानमंत्री को त्रिशूल धारी। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको भारत की अंतरिक्ष में शक्ति भी दिख रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि यहाँ पर ट्रेनों का जो जाल बिछा देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता हुआ वंदे भारत वो वाराणसी को भी जोड़ रहा है। ये कह रहे हैं शिव शंकर हमें आपका अपने क्षेत्र वाराणसी से 500 पार करवाइए, 400 पार नहीं करवाइए। तो लोग अपनी तरफ से जिसको जो लाया है चित्र हाथों से बना के बच्चे हैं छपा कर पोस्टर्स, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं, बनारसी साड़ी बनारसी दुपट्टे लेकर लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर यादव समाज भी मोदी के लिए आया है। कमल के फूलों के ऊपर यादव समाज अंकित करके आए हैं। अलग अलग पड़ाव पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहीं डमरू, कहीं पर गंगा आरती, कहीं पर भोजपुरी समाज, कहीं पर अग्रवाल समाज, कहीं पर ये यादव समाज, यानी काशी में जो अलग अलग आबादी है उसका पूरा मिश्रण आप इस पूरे रास्ते में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है। नामांकन से पहले ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, इसे कहेंगे कि लोगों के लिए लोगों में लोकप्रियता का यह प्रदर्शन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के जरिए ये दिख रहा है हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग घरों दुकानों सबसे बाहर आकर यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इसके पहले जरा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके, संजय थोड़ा आगे आइए, यहाँ भी गोदौलिया चौराहे की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ है दोनों ही तरफ। संजय थोड़ा आगे की तरफ आइए, दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है और धोती कुर्ता पीले रंग में पहनकर आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खड़े हुए हैं। पीछे की जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए संजय, और आपको बताते चले दूर दूर से ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मोदी जी के वो बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट भी दिखा दीजिए जिसमें अलग ही अंदाज नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हमार काशी हमार मोदी के साथ, आप देखिए कितनी बड़ी सी ये तस्वीर लगाई गई है काशी का बेटा के साथ एक, और अलग अलग हिस्सों में पूरे के पूरे गोदौलिया अलग अलग घूम जाइए ऊपर से, अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारी की गई है ये तस्वीरें आपके सामने है। कुल मिलाकर अभूतपूर्व प्यार है, ये यही कारण है कि बीजेपी जननायक करार देती है नरेंद्र मोदी को, जो अपनी जनता के बीच में है, सांसद चुने जाने हैं यहाँ से। अब जनता का प्यार उनको कितना मिलता है, पिछली बार की अपेक्षा कितना बड़ा वोट का मार्जिन रहता है।